हेलो फ्रेंड्स, दिस इज स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट। फ्रेंड्स, आज मैं फिर आपके सामने आ गई हूँ एक और नई वीडियो लेके और एक और नया कंटेंट लेके। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। और फ्रेंड्स, अगर आपको किसी और कंटेंट पर वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। भगवान शिव देवों के देव महादेव है। पूरे संसार का जीवन और मरण भगवान शिव के ही अधीन है, इसलिए पूजा के बाद भगवान शिव की स्तुति विशेष रूप से की जानी चाहिए। तो फ्रेंड्स, आपको यह स्तुति अवश्य करनी चाहिए। भगवान शिव की पूजा करने के बाद अगर आपने यह मंत्र नहीं बोला तो फ्रेंड्स, आपकी पूजा अधूरी मानी जाएगी। भगवान की पूजा के बाद आप आरती करते हो और आरती के वक्त भी यह मंत्र नहीं बोलते हो तो भी आपकी पूजा अधूरी मानी जाएगी। इसलिए फ्रेंड्स, इस मंत्र का बोलना बहुत जरूरी है, तभी आपकी पूजा पूरी होगी। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताने जा रही हूँ वह चमत्कारी मंत्र। माना जाता है माता पार्वती और भगवान शिव के विवाह के समय स्वयं भगवान विष्णु ने यह स्तुति गाई थी। यह मंत्र है, कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। तो फ्रेंड्स, इस मंत्र का अर्थ भी है, वह इस प्रकार है, कपूर गौरम अर्थात कपूर के समान गौर अंग वाले, करुणावतारम करुणा के जो साक्षात अवतार है, संसार सारम समस्त सृष्टि के जो सार है, भुजगेंद्र हारम जो गले में भुजगेंद्र अर्थात सर्पों की माला धारण करते हैं, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। इसका अर्थ है, जो शिव पार्वती के साथ सदैव मेरे हृदय में निवास करते हैं उनको मेरा नमन है। इस मंत्र का इस प्रकार अर्थ हुआ, जो कपूर के समान गौर वर्ण वाले करुणा के अवतार है, संसार के सार है, जो अपने गले में भुजंगों का हार धारण करते हैं, वे भगवान शिव माता भवानी सहित मेरे हृदय में सदैव निवास करें और उन्हें मेरा नमन है। ओम नमः शिवाय।